भागलपुर के नाथनगर थाने के दरोगा धर्मेंद्र कुमार पर उनकी पत्नी ने दूसरी महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। गुरुवार को दरोगा की पत्नी नाथनगर थाने के कुछ दूर में स्थित एक मकान में पहुंच गई, जहां दरोगा के दूसरी महिला के साथ होने का दावा किया जा रहा था। पत्नी ने काफी हंगामा किया, जिसे सुन आसपास के लोग जुट गए। पत्नी का आरोप है कि पति का दूसरी महिला के साथ संबंध है। हाल में एक माह पहले भी उन्होंने हंगामा किया था, तब नाथनगर इंस्पेक्टर ने समझा बुझाकर उन्हें शांत कराया था। दरोगा की पत्नी का आरोप है कि पति उन पर कोई ध्यान नहीं देते। हालांकि हंगामा सुनकर नाथनगर थाने की पुलिस कर्मी ने स्थिति संभाली। बताया जाता है कि पत्नी बच्चे के साथ नाथनगर आई थी। हालांकि दरोगा और पत्नी को फोन लगाया गया, पर फोन दोनों में से किसी ने नहीं उठाया। नाथनगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह ने बताया कि दरोगा की पत्नी ने लिखित शिकायत नहीं दी है, मामले की जाँच की जा रही है। भागलपुर में एक पति अपनी विकलांग पत्नी को गोद में लिए जिलाधिकारी से बैटरी वाले साइकिल मांगने के लिए पहुंचे। मालूम हो कि पति पत्नी बीते दो महीने से जिलाधिकारी के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। कई बार उन्होंने लिखित आवेदन भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पत्नी 80% विकलांग है। पति मजदूरी कर घर का भरण पोषण करते हैं। अग्निकांड हादसे में घर में रखे सारे सामान जलकर राख हो गए थे। सरकार की तरफ से दिए गए ट्राईसाइकिल भी इस हादसे का शिकार हुआ था, जो पूरी तरह जलकर खाक हो गया। अभुक्त महिला को आने जाने का कोई साधन नहीं है। ट्राई साइकिल के लिए विकलांग महिला पिछले दो महीने से जिलाधिकारी के कार्यालय का चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक उसे ट्राई साइकिल मुहैया नहीं कराया गया है। भीषण गर्मी के बीच पति अपनी पत्नी को गोद में लिए जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने लिखित रूप से जिलाधिकारी को आवेदन देकर बैटरी युक्त ट्राई साइकिल की मांग की है। मालूम हो कि सबौर प्रखंड के बाबूपुर इलाके के रहने वाले पंकज मंडल के घर में 6 मार्च को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। हादसे में घर में सारा सामान जलकर राख हो गया। इसी हादसे में विकलांग महिला अनिता देवी का ट्राई साइकिल भी पूरी तरह जल गया। पीड़िता ने बताया कि जिलाधिकारी से हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को बैटरी वाली एक गाड़ी दे दे, जिससे कि हम लोग बिजनेस कर सके। अग्निकांड में घर में सारा सामान जलकर राख हो गया था। सरकार की तरफ से मिलने वाला मुआवजा भी हम लोगों को नहीं मिला है। 2-3 महीने से जिलाधिकारी के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। किसी तरह पति गोद में यहां तक लाते हैं। अब देखना यह होगा कि कब तक जिला प्रशासन पीड़ित परिवार को मुआवजा दिला पाता है। डीएम साहब से मिलने क्या के लिए? गाड़ी के लिए, बैटरी वाला गाड़ी के लिए। कोई बिजनेस करेंगे, जल गया गाड़ी दिया था, जल गया। तो कैसे जला? शॉर्ट सर्किट से आग लगा था घर में। हाँ, कब जला था? 6 तारीख को, 2 महीने हो गया ऊपर, और दौड़ रहे यहाँ पर, कोई सुनवाई ना भी हो रहा है। तो हैंडीकैप है आप? हाँ, हैंडीकैप है, 80% है। तो यहाँ पर भी जो कार्यालय आए, तो आपको कोई बिल के ये सब नहीं मिला? नहीं, अभी घूर के गए हैं। तो कौन गोदी में लेके आपको आ रहे हैं? हस्बैंड गोद में करके। हाँ। यहाँ कितना दिन से दौड़ रहे हैं? 2 महीनों से, 2-3 महीनों से दौड़ रहे हैं। मुआवजा सब भी नहीं मिला? कुछ नहीं। वो शॉर्ट सर्किट से चेयर भैर गाड़ी दिया था बैटरी वाला, वो जल गया। हाँ। और मुआवजा नहीं मिला है, वही सब लाने के लिए डीएम के पास आए हैं। 2 महीने प्लस हो गया। नहीं, उस वहाँ पे आए थे लेकिन मिला नहीं था। कितना परेशानी? वो पूरा परेशानी है। केरल रोटरी क्लब के सदस्य बीजू बीपी ने देश को केरल की तरह साक्षर बनाने के लिए बैंक की नौकरी छोड़ दी है। 1 जनवरी को कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की और 165 दिनों में भागलपुर पहुंचे। इस क्रम में उन्होंने 24,000 छात्र छात्राओं से संपर्क किया। उन्होंने बताया, हमारा लक्ष्य 800 दिनों में देश का भ्रमण करना है। इस दौरान 2 थीम पर काम करना है, एक बालिका सशक्तिकरण और दूसरा साक्षरता मिशन। इसमें इच वन टीच वन पर काम हो रहा है। अब तक 115 संस्थाओं से संपर्क किया और साक्षरता के प्रति समाज के लोगों को जागरूक करने की अपील भी की। उन्होंने बताया कि वो एक्सिस बैंक में बड़े पद पर थे। नौकरी के दौरान बड़ी संख्या में अंगूठा लगाने वाले लोगों को देखकर वो चिंतित हो गए। तब से नौकरी छोड़कर इस अभियान में जुड़ गए हैं कि केरल की तरह हर राज्य को साक्षर बनाना है। और ये साक्षरता मिशन जो है, ये रोटरी क्लब के मुताबिक हम कर रहे हैं। रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन का प्रोग्राम है ये, ईच वन टीच वन, इसको हम दीक्षा कहते हैं। तो हम देखेंगे ना, तो हमारा भारत स्वतंत्र होकर, अब वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, और मगर हमारा साक्षरता परसेंटेज आप देखेंगे तो इट इज़ ओनली 75%। तो प्रधानमंत्री जी ने जब हमें, हमारा रोटरी टीम से जब बात हुआ,
तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हम ये हम जब 80 वर्ष मनाएंगे स्वतंत्रता का, तब हमारा परसेंटेज लिटरेसी मिशन का लिटरेसी रेट 80% हो जाए। तो ये 5% बढ़ाने का कोशिश हम कर रहा हूँ। 3 साल हैं तो 5% आप देखेंगे तो बहुत छोटा है, मगर हमें तो 50 लाख इंडियंस को टीच करना है। एक मॉड्यूल हम बनाया है, वो बहुत आसान मॉड्यूल है, 60 डे का क्लासेस है। सो चेस कक्षा में पढ़ते एक बच्चा भी ये मॉड्यूल से टीचर बन सकता है, साक्षरता मिशन में टीचर बन सकते हैं। आज का हम देखेंगे ना, आज मैं यहाँ एक इंस्टीट्यूट पे गया था, टैली इंस्टीट्यूट पे गया था, तो वहाँ जो 40 बच्चे थे, आई मीन स्टूडेंट्स थे हु वर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोग्राम, वो 40 ने एग्री किया वॉलंटियर करने के लिए। वो 40 स्टूडेंट्स हैव एग्रीड दैट यू नो दे विल टीच ईच वन। सो रोटरी भी है हमारे ये इस उद्यम में, रोटरी का ही उद्यम है ये। तो यहाँ भी भागलपुर और पूरे बिहार में हम रोटरी के मुताबिक हम इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बिहार में ही ज़्यादातर निरक्षर है। कहाँ से शुरू किया ना मिशन और कहाँ एंड करेंगे? तो कन्याकुमारी से स्टार्ट किया है। सो इन 800 डेज में हम एंड करेंगे ट्रिवेंड्रम पे। ट्रिवेंड्रम, आई एम फ्रॉम ट्रिवेंड्रम, मेरा घर ट्रिवेंड्रम है, तो हम एंड करेंगे ट्रिवेंड्रम पे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए कर रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। खगड़िया लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद राजेश वर्मा भागलपुर पहुंचे। भागलपुर के विभिन्न चौक चौराहों पर लोजपा रामविलास की कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता सहित एनडीए के कई कार्यकर्ताओं ने इनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भागलपुर की सड़कों पर चिराग पासवान जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राजेश वर्मा जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। मौके पर राजेश वर्मा ने कहा कि जिस तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुझ पर भरोसा जताया, उस भरोसे पर हम खरे उतरेंगे। आगे उन्होंने कहा कि अब खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में विकास की बहेगी। आपको बता दें कि सांसद राजेश वर्मा का गृह जिला भागलपुर ही है। इसमें कोई दो मत नहीं कि मुझे राजनीतिक रूप से जो पहली पहचान दी वो इस भागलपुर शहर ने दी, भागलपुर के लोगों ने दी, जिसके लिए मैं हमेशा इस शहर के प्रति ऋणी हूँ, और मेरा हमेशा मेरे हृदय में भागलपुर तो रहता रहता है, और कार्य क्षेत्र
पहचान भागलपुर ने दी और अब कर्मभूमि जो है खगड़िया के लोगों ने मुझे कर्मभूमि के लिए खगड़िया का सांसद के रूप में मेरा चयन किया। मैं इसके लिए खगड़िया के भी तमाम नौजवान साथियों को, युवाओं को, माताओं को, बहनों को, एनडीए के तमाम हमारे कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस भीषण गर्मी में जिस तरीके से पूरे चुनाव में न दिन देखी न रात देखा और उन तमाम लोगों के परिश्रम का नतीजा रहा कि खगड़िया से मैं 161,000 की मार्जिन से चुनाव जीत कर आया। मैं इसके लिए सबका धन्यवाद देता हूँ और जिस तरीके से भागलपुर के लोगों ने आज सम्मान, प्यार और आभार किया है, मैं उन सब का दिल के गहराई से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ भी भागलपुर के लिए भी मेरी आवाज़ मुझे उठानी होगी, बेहिचक मैं भागलपुर के लिए भी अपनी आवाज़ को बुलंद करूँगा। और मुझे पता है कि भागलपुर की भी प्राथमिकताएँ क्या हैं, उस पर हम लोग सब मिलकर, यह सुखद है कि यहाँ से भी एनडीए के हमारे सांसद बड़े भाई अजय मंडल जी जीत कर गए हैं, तो बिल्कुल अब भागलपुर से एक नहीं दो दो सांसद भागलपुर को लोगों को मिला है। तो बेहिचक हमारे बड़े भाई सांसद अजय मंडल जी भी अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और जहां मेरी ज़रूरत होगी मैं भी उनके साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाकर भागलपुर की, खगड़िया की सेवा तो करूंगा ही, साथ ही साथ जहां भी भागलपुर के लिए आवाज़ उठानी होगी हम लोग भागलपुर के लिए भी आवाज़ उठाएंगे। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार ऑपरेशन मुस्कान के तहत मोबाइल बरामदगी हेतु निर्देश दिया गया है। इस पर अमल करते हुए एसएसपी के निर्देशन साथ ही पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में कार्य कर रही डीआईयू टीम एवं थाना ने वर्ष 2024 में द्वितीय फेज में आज कुल 30 मोबाइल जिसकी कीमत करीब 4.5 लाख रुपए है को बरामद कर वास्तविक मोबाइल धारकों को सुपुर्द कर दिया। बता दें भागलपुर पुलिस द्वारा वर्ष 2023 में 304 मोबाइल, 2023 के प्रथम फेज में 25 मोबाइल तथा आज 30 मोबाइल अर्थात कुल 359 मोबाइल जिसकी कीमत करीब 50 लाख को बरामद कर वास्तविक मोबाइल धारकों को सुपुर्द किया गया है। खोए हुए मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार ऑपरेशन मुस्कान जो चलाया जा रहा है जिसमें गुम हुए मोबाइल की हम लोग प्राप्ति कर उनके स्वामित्व को सौंपते हैं। इस बार कुल 25 मोबाइल सौंपा गया है और अब तक कुल 384 मोबाइल जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपये है जिसको हम लोगों ने उनके स्वामित्व को सौंपा है। इस बार एक लगभग काफ़ी महंगा मोबाइल भी तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए की मोबाइल भी थी तो उनके द्वारा भी बहुत धन्यवाद प्रकट किया गया है। इसमें हमारी टीम लगी हुई थी, डीआईयू की टीम और थाना की टीम, और लोगों से भी अपील है कि अगर मोबाइल उनका गुम हो जाता है तो तुरंत सूचना थाना को दें और अगर किसी तरीके की समस्या होती है तो उसमें हम लोग का जो सरकारी नंबर उपलब्ध है उस पर हम लोग सूचित करें, उनकी जो है मोबाइल खोजने का हम लोग प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द उनका मोबाइल को रिकवर करके उन तक हम लोग पहुँचाएंगे। आज कुल 25 मोबाइल हम लोग देने के वितरण करने के लिए रखे हुए थे, इसमें से कुल 20 लोग आए हैं, इनको दिया गया है और बाकी अन्य मोबाइल भी जो है उनको अगले चरण में सौंप दिया जाएगा। बहुत 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 खुशी का पल है ये। पहले जब मोबाइल खोया करता था तो हम लोग उम्मीद नहीं रखते थे कि मोबाइल वापस मिल पाएगी, लेकिन आज मोबाइल मिल जाने के कारण मैं यहाँ के पुलिस अधीक्षक और डीआईयू टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये इनका ही प्रयास था कि मेरा खोया हुआ मोबाइल वापस मिल सका।